क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। अब इस टोपी के अंदर क्या है? मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है, तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। मुझे भी एक विश मांगनी है। टूटता तारा कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए, वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय मेरे। मेरी आवाज है क्या? इस जंगल में
बकरी मेरा नाम, बक बक करना मेरा काम, सब चट्टी बट्टी दोस्त मेरे, मैं जंगल में ही है ये सारे। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। मसल के रख दूंगा। हाँ, मुझे पता है ढोलू बड़ा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ ढोलू, तुम ये बात याद रखना। इस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आया, अब इसे कौन पढ़ेगा? मैं बड़ा हूँ, इसे मैं पहले पढ़ूंगा। ये ढोलू ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? आखिर तुम्हें क्या हो गया है ढोलू? तुम्हें अपने भाई से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अंधेरा हो रहा है, मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये गुफा सुरक्षित लगती है। डरावना दानव, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बोलू कहीं नहीं मिल रहा, हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया, किसी ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। चलो चलकर उसे जंगल में ढूंढते हैं। चलो। मेरा बड़ा भाई साबा भी बहुत घमंडी है, मैं भी यहाँ अकेले रहने आ गया। जब तक वो हमें ढूंढ नहीं लेते, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। स्वादिष्ट छोटे लोग, शायद ये आवाज मेरे भाई ढोलू की है। और दूसरी आवाज वो मेरा भाई था। साबा, साबा मत मारो उस छोटे मनुष्य को, वो हमारा दोस्त है। बाबा, बाबा तुम सुरक्षित हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। मुझे भी माफ कर दो भोलू, मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। और मेरे भाई का साथ देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने अच्छे जुड़वा भाई है ना ये दोस्त। लड्डू का शौकीन।